हाँ लो बेटा, ठीक से है ना। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको निगेटिव लेट ऑफ मोशन, है ना। निगेटिव लेट ऑफ मोशन क्या होता है आपका? देखो तो प्राइमरी मोशन होता है सेडिंग, पिकिंग, बीटिंग, और सेकेंडरी मोशन होता है लेट ऑफ एंड टेक अप, है ना। तो लेट ऑफ के अंदर दो टाइप का होता है आपका, सेमी पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो आज आप निगेटिव लेट ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या हो जाता है कि पॉजिटिव के अंदर देखा आपका कि ये जो आपका टेकअप मोशन है 5 व्हील 7 व्हील, तो इससे कपड़ा आपका जो होता है वो क्लॉथ रोलर के ऊपर वाइंड अप होता है। तो जितने पिक व्हील आपका लगते हैं उतने का हम चेंज पिनियन 7 व्हील पर लगा देते हैं, तो उतने पिक्स आपके कपड़े के अंदर लगने लगते हैं। अब उतना ही यान आपका बीम से रिलीज होना चाहिए वार्प का, ठीक है ना। अब बीम से रिलीज होने के लिए क्या है, ये आपका जो है रिवर्स बीम, ये क्या आपका, हाँ रिवर्स बीम, इधर क्या आ जाए। तो जितना कपड़ा आपका इधर टेकअप हो रहा है ना, जैसे आपने 40 का पिक व्हील लगा रखा है तो 40 पिक्स पर इंच आपके पड़ रहे हैं, तो उतना ही आपका बाहर तो आपका यहाँ से रिलीज होना चाहिए। और चूंकि पिक्स आपके स्पेसिंग बराबर होनी चाहिए, तो अगर आपने यहाँ पर टेंशन एडजस्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, पिक्स कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो उससे कपड़े के अंदर क्या आ जाएगा, डाई पिकअप और पट्टे आना शुरू हो जाएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम ये आपका लेट ऑफ मोशन लगाते हैं। तो लेट ऑफ मोशन जो होता है ये 3 टाइप का होता है, लेट ऑफ मोशन। एक होता आपका निगेटिव टाइप, दूसरा होता आपका सेमी पॉजिटिव टाइप, है ना, और दूसरा होता आपका पॉजिटिव टाइप। तीनों टाइप के लेट ऑफ मोशन आपके लगते लूम पर, ठीक है। निगेटिव टाइप मोशन क्या हो जाता है, ये जिसे हैंडलूम पर होता है वर्कर खुद टेंशन को एडजस्ट करता वेट को, वो जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर है। तो इसका पैसेज आपको बनाना है वर्किंग आपको। सेकेंड होता आपका सेमी पॉजिटिव, ये अपने जो सिम्को लूम है इनके ऊपर यही मोशन आपका लगा हुआ है ना, सेमी पॉजिटिव। इसके अंदर क्या हो जाता है कि अपने आप टेंशन कंट्रोल होता है, जैसे जैसे बीम का डायमीटर कम होता जाएगा तो टेंशन अपने आप बराबर बना रहेगा। और तीसरा होता पॉजिटिव टाइप, जब आपके पाइल्स बनते हैं 500 पिक्स पर इंच, 600 पिक्स पर इंच, वार पाइल, वेट पाइल, कारपेट वगैरह, तो यहाँ पर जो आपका टेकअप होता है पॉजिटिव टाइप का होता है ना, इतने पिक्स आपको डालने कपड़े के, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है इसका बेसिक हम बता रहे हैं, ये थ्योरी में भी हो जाएगा प्रैक्टिकल में भी हो जाएगा, ठीक है। और कैसे, नाउ आई टेक द निगेटिव लेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये आपका बैकरेस्ट है बराबर, ये बैकरेस्ट है जिसके ऊपर से यान जाता है, और ये आपकी बीम है ना, इसको क्या बोलते हैं आपका रिवर्स बीम। ठीक है, और ये आपका यान इसके ऊपर से
जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है, बैक रेस्ट, ठीक है। और ये याद आपका निकल गया, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका सेंटर के ऊपर, ठीक है, ये क्या कहलाता आपका, थीटा वन, एंगल ऑफ रैप। ये टेंशन है आपका कितना, T2, और ये टेंशन है आपका T1। तो मैंने आपको फार्मूला बताया है, T2 बराबर होता है आपका T1 e to the power mu into थीटा, ठीक है। ये हर जगह आपका फाइनल तक लगेगा फार्मूला, हजारों मशीनों के ऊपर, ठीक है ना। म्यू क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल कोफिशियंट है, किसका, म्यू फ्रिक्शनल कोफिशियंट बिटवीन द यार्न एंड द मेटल। जैसे कोई चीज या एक फैब्रिक के ऊपर जाती ना तो फ्रिक्शन लगता है ना, तो वही चीज है यहां पर। तो ये जो फ्रिक्शन कोफिशियंट है म्यू, और आपका थीटा क्या है, एंगल ऑफ रैप, ठीक है। अब जैसे जैसे बीम आपकी खत्म होती जाएगी, ठीक है, तो बीम का डायमीटर कम होता जाएगा, और कम होगा तो क्या होगा आपका, ये हो गया। अब आपका एंगल ऑफ रैप क्या हो जाएगा, ये, ठीक आ गया। अब ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा 2। ये क्या हो जाएगा आपका, थीटा 2। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 डैश बराबर T1 e to the power mu into थीटा 2। चूंकि थीटा 2 का मान थीटा 1 से ज्यादा है तो ये टेंशन हमारा बढ़ जाएगा। आई बात समझ लो, ठीक। और थीटा का मान हमेशा रेडियन में रखा जाता है, थीटा विल बी इन द रेडियन, ठीक है ना। जैसे आपका 90 डिग्री है तो कितना रेडियन हो जाएगा, वेरी गुड। तो पाई बराबर होता है 180 डिग्री बाय पाई रेडियन, और हमेशा थीटा अपना रेडियन में रखा जाएगा, ठीक है ना, कहीं पर भी आप देखोगे, ठीक है। तो अब ये टेंशन जो है बढ़ेगा, अब इस टेंशन को या तो आप अपने आप कंट्रोल करने दो मशीन को, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक लगा करके, है ना। अब आप या निगेटिव है तो हैंडलूम में क्या करते हैं, हाथ से उस टेंशन को बराबर करेंगे, ठीक है ना। जो वेट है हमारा, ठीक है, तनाव बढ़ रहा है तो उसको कम करेंगे, है ना। तो वेट को हम आगे पीछे करके टेंशन को कम करते हैं, आगे बात समझो। अब ये चीज हम आपको मशीन के ऊपर बताने जा रहे हैं, है ना। दो, एक तो डिटेल है आपका, और एक हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देंगे, ठीक है। निगेटिव वाला आइए, और ये आपका बैक रेस्ट है, ताकि आपका यहां से इसके ऊपर से होता हुआ यहां जाए, और जितना आपका टेकअप होगा उतना ही आपका लेट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो जब बीम भरी हुई है तब आपका थीटा कम होगा तो टेंशन कम होगा, और जैसे जैसे बीम आपकी खत्म होती जाएगी थीटा बढ़ता जाएगा, है ना। ये बैकरेस्ट यहाँ लगा होता है, इसके ऊपर से यान आपका जाएगा, ठीक है, और इसके साथ साथ ये रैफेल लगा हुआ है, ये आपका रैफेल है, और रैफेल के ऊपर चेन है, ठीक है। तो इसका टेंशन किससे कंट्रोल होगा, इस चेन के द्वारा, और चेन के अलावा ये यहाँ पर लीवर लगा हुआ है, ये नीचे देखिए, लाइट जलाओ अपने कैमरे की, है ना। तो ये नीचे यहाँ पर आपका, ये नीचे आपका क्या है, ये आपका ये लीवर लगा हुआ है, और लीवर से आपका नीचे, ये लीवर से आपका ये चैन लगी हुई है, रैफेल आपका,
ये दोनों तरफ लगा हुआ, इस साइड में भी लगा है ना, ये आपका लीवर है और इससे आपका वेट लगा हुआ है। और जैसे जैसे बीम का टेंशन आपका बढ़ता जाएगा तो हम क्या करेंगे, वेट को पीछे की तरफ शिफ्ट करते जाएंगे ताकि तनाव हमारा कम होता जाए। बस ये हाथ मैनुअल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं आपका, निगेटिव लेट ऑफ मोशन। तो जैसे जैसे बीम खत्म होती जाएगी पहले वहाँ पर होगा तनाव, है ना, और उसको ये पहले यहाँ पर होगा मेरे ख्याल से तनाव कम होगा, और जैसे जैसे तनाव बढ़ता जाएगा तो उसको बराबर करना है, है ना। तो हम इसको आगे पीछे करके इस टेंशन को कम कर लें। आइए सर, ये तो हो गया आपका निगेटिव लेट ऑफ मोशन, ठीक है। दूसरा होता है आपका ये जो लगा हुआ आपका, ये आपकी बीम है, ठीक है। अब इसके अंदर हाथ से कुछ नहीं करना, ये सेमी पॉजिटिव, ठीक है ना। ये बीम है आपका, ये बैकरेस्ट है आपका, और जैसे जैसे टेंशन आपका बढ़ता जाएगा तो ये आपका बीम फीलर लगा हुआ, देखिए इस पर लगा, ये आपका क्या है बीम फीलर। जैसे जैसे डाया आपका कम होगा, ये देखिए डाया कम होगा तो बीम फीलर क्या करेगा, इसको सेंस करेगा, है ना। और दूसरा आपका ये रॉड लगी हुई है, ठीक है, ये देखिए ये रॉड, और ये सीधे कनेक्टेड है स्ले से, इधर से करो, ये आपकी रॉड लगी हुई है ना, और ये रॉड आपकी कनेक्टेड है वो आगे स्ले से, हाँ, और स्ले क्या करेगी, अरे ये स्ले क्या करेगी, ऊपर से यहाँ मूवमेंट आपका आ रहा, तो तीन मोशन आपके कंबाइंड हो रहे हैं, एक आपका बैकरेस्ट, ये आपका बीम फीलर, दूसरा आपका कनेक्टिंग रॉड, है ना। तो ये तीनों मिला करके और फिर आपका केम लीवर वगैरह लगा हुआ है, और इसके द्वारा मूवमेंट आपका इसका, ये देखिए ये मूवमेंट आपका इस तरीके से, ये मूवमेंट यहाँ पर कंट्रोल हो जाता है, ये यहाँ सीधे आएगा और ये गियर के ऊपर, और उससे ये बीम चल रही है। इसके अंदर आपको हाथ से कुछ नहीं करना, ये सेमी पॉजिटिव, सल्जर वगैरह के ऊपर लगा हुआ पॉजिटिव टाइप का, कभी खुलेगी मशीन तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है, वो पॉजिटिव टाइप का टेकअप लगा हुआ, ठीक है। तो उसके अंदर जो है आपका ये बना लो, इसके अंदर डायरेक्ट आपका ये बीम फीलर दिखा दो, एक मिनट, ये बीम फीलर है, जैसे जैसे डाया कम होगा तो ये सेंस करेगा और सिग्नल आपको देगा, और फिर यहाँ पर पैराबोला केम लगा हुआ, और फिर आपका ये देखिए आपका तीन गियर लगे हुए ज़्यादा, है ना, ये तीन गियर यहाँ पर है, ये पैराबोला केम है, और इसके द्वारा मूवमेंट आपका इसके द्वारा होता हुआ, और ये जो बैकरेस्ट का मूवमेंट है ये वाला, इससे तनाव बढ़ेगा। तो एक तो बीम फीलर का, और दूसरा आपका कनेक्टिंग रॉड से स्ले से मूवमेंट आ रहा है, इधर इधर इस रॉड को, ये कनेक्टिंग रॉड जो मूवमेंट देगी, और तीसरा आपका ये जो बैकरेस्ट है, तो बैकरेस्ट का कनेक्शन, ये यहाँ पर वेट लगा होता है, वेट ये उधर लगा होगा, ये वेट क्या करता है, सीधे पाउल के द्वारा मूवमेंट आप इसके ऊपर, ये रैचेट एंड पाउल लगा हुआ है, रैचेट एंड पाउल, तो ये मूवमेंट इसके ऊपर आता है, और तीनों मूवमेंट मिल गए, एक दो तीन, और मिल करके इस ये बीम को चला रहे हैं, ये पाउल चल रहा, और पाउल के द्वारा आपका मूवमेंट इसके ऊपर जा रहा है। तो ये क्या कहलाता है, सेमी पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव आपका सल्जर पर। अब बंद कर दूँ इसको।